हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में एक बार फिर से। और आज हम यहां पर करेंगे रियलमी 7i और मोटो G9 पावर का कैमरा टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रियलमी 7i से। तो दोस्तों, इसमें आपको चार कैमरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला कैमरा यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का, दूसरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का, और तीसरा चौथा 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो है। और मैक्रो तो दोस्तों यहाँ पर बेफालतू ही दिया हुआ है। बात करें सेल्फ़ी की, तो 16 मेगापिक्सल की आप यहाँ पर आपको सेल्फ़ी देखने को मिलती है। तो बात करते हैं यहाँ पर अब मोटो G9 पावर की। तो मोटो G9 पावर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का वही वाला कैमरा जो रियलमी 7i में है, और 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो है, और इसमें भी मैक्रो का कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं सेल्फ़ी की। तो सेल्फ़ी यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की आपको प्रोवाइड की गई है, और इसमें दोस्तों दोनों ही फ़ोन में आप फुल HD वीडियो फ्रंट से भी निकाल सकते हो। तो यही सब कुछ था दोस्तों इन दोनों फ़ोन के कैमरे की जो स्पेसिफिकेशन थी। अब स्टार्ट करते हैं विद सैंपल के साथ। तो पहली फ़ोटो आप यहां पर देख सकते हो, जो कि मैंने यहां पर निकाली है एक फ्लावर की, दोनों ही फ़ोन से। और दोस्तों मैक्सिमम यहां पर जो सैंपल है वो सेम निकल कर आए हैं, क्योंकि जो दोस्तों सेंसर है वो सेम ही है यहाँ पर। तो ज़्यादा कोई आपको यहाँ पर फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ये दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट है, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सन के अंगेंस्ट लिया था। तो आप देख सकते हैं जो दोस्तों दोनों ही फ़ोन यहाँ पर सब्जेक्ट पे फोकस ढंग से नहीं कर पाए हैं। तो इसमें दोस्तों फ़ोन के सेंसर की भी कोई ज़्यादा गलती नहीं है, ये दोस्तों कुछ मौसम ही ऐसा था। और बात करें दोस्तों नेक्स्ट शॉट की, यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली नोटिस करोगे जो कलर वगैरह है, वो जो क्लियरिटी है वो यहाँ पर मोटो G9 में अच्छी निकल कर आई है। और जो रियलमी 7i है वो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सैचुरेटेड फ़ोटो निकालता है। इस सैंपल में भी दोस्तों आप क्लियरली नोटिस करोगे जो रियलमी 7i है उसमें दोस्तों कलर तो काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं, लेकिन जो क्लियरिटी है वो अगेन यहाँ पर मोटो G9 पावर के सैंपल में आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर आपको नेक्स्ट सैंपल दिखाऊं, तो ये भी दोस्तों नॉर्मल शॉट है, और इसमें भी आप दोस्तों क्लियरली देख सकते हो रियलमी 7i में दोस्तों हल्के से कलर जो है दोस्तों वो बूस्ट हो जाते हैं। आप चाहे बैकग्राउंड में देखिए, जो पेड़ वगैरह है वो काफ़ी यहां पर थोड़े हल्के से तो बूस्ट आपको देखने को मिलेंगे ही। दोस्तों ये नेक्स्ट है फ़ोटो, ये मैंने यहाँ पर जब फुल यहाँ पर धूप थी तब ये फ़ोटो ली है। और इस फ़ोटो में आप देख सकते हो अगेन यार दोस्तों जो कलर्स वगैरह है वो रियलमी 7i में आई कैची लगते हैं, लेकिन असली काम दोस्तों मोटो G9 पावर यहाँ पर कर देता है। बात करें दोस्तों यहाँ पर डायनामिक रेंज की, तो वो दोस्तों दोनों ही फ़ोन में आपको सिमिलर सी देखने को मिलती है, लेकिन जो ब्लूइश टिंट है हल्का सा रियलमी 7i में ज़्यादा है, जो कि होना नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ पर स्काई नज़र ही नहीं आ रहा है। तो यही सब कुछ है। और जो मैक्रो सेंसर है वो 2-2 मेगापिक्सल के हैं दोनों ही फ़ोन में। तो मुझे तो दोस्तों वैसे यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही मुझे पर्सनली पसंद है ये 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे, लेकिन यही कुछ है आपके सामने, तो आप देख लीजिए कौन सा अच्छा है। इसमें दोस्तों आपको डेडिकेटेड नाइट मोड दोनों ही फ़ोन में देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों अच्छा काम यहाँ पर रियलमी 7i करता है नाइट में। मोटो G9 पावर यहाँ पर अभी भी दोस्तों स्ट्रगल कर रहा है, तो मोटो को थोड़ा दोस्तों यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वीडियो सैंपल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप ये वीडियो देख रहे हो वो मैंने यहाँ पर रियलमी 7i से शूट की है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पर 1080p 30fps पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इन दोनों ही वीडियो में EIS का उपयोग कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो कलर और डायनामिक रेंज ज़्यादा यहाँ पर मेन है। तो भाई यहाँ पर डायनामिक रेंज और कलर काफ़ी सही है, ये पहाड़ियाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर है तब भी इतने अच्छे से ये यहाँ पर कैप्चर कर रहा है, और विद डिटेल के साथ दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर थोड़ी सिमिलर सी रहने वाली है। जूम करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके की क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। दोनों ही फ़ोन में मैंने यहाँ पर 4x तक वीडियो यहाँ पर जूम की हुई है। तो चलते दोस्तों मोटो G9 पावर की, और इसमें भी दोस्तों सेम यहाँ पर 1080p 30fps पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मुझे यार हल्के से जो कलर्स हैं इस वीडियो में वो अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों आप भी बताइएगा, और डायनामिक रेंज भी मुझे हल्की सी यहाँ पर अच्छी लग रही है रियलमी 7i से। और आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। और भाई जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसी तरीके के पिक्सल कुछ आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं बोलूँगा, दोनों ही फ़ोन यहाँ पर एवरेज से काम कर रहे हैं। तो भाई दोनों ही फ़ोन का कुछ ये था। और सेल्फ़ी दोस्तों दोनों ही फ़ोन में 16 मेगापिक्सल की है, तो मैंने यहाँ पर वो यूज़ नहीं की, और बाकी आप देख लीजिए। और भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा, ये सब
से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है हर यूट्यूबर के लिए। और सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगा। कमेंट में लिखिए कौन से फ़ोन की आपको और कैसी वीडियो चाहिए। तब के लिए बाय बाय।